क्या कर रहे हो तुम दोनों, खेल रहे हो? बारिश आ रही है, बाहर मत जाना। वाओ कितना क्यूट सा मौसम नहीं है। बारिश आ रही है, क्यूट का है जो अंदर। आज बारिश नहीं आ रही है तो सूरज देखिए कितनी सुंदर तरह से निकला है। देखिए कैसे अलग से सर्कल नज़र आ रहा है मुझे ब्लू कलर का, आपको भी नज़र आ रहा होगा। और सुबह सुबह का व्यू जो होता है गाइस बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे चिड़ियाँ चहकती रहती है सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के देखना। छुट्टी मार ली आज तो, अब क्या करोगे? टीवी देखोगे पूरे दिन? भूख तो मैं खाना बनाऊंगी अभी, दे दूंगी खाना, लेकिन पूरे दिन टीवी देखना क्या आज तो? तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए इसको खांसी आ रही है, फिर भी ऑरेंज खाती है, इसको मना करते हैं, मानती नहीं है, इसको ऑरेंज इतना ज्यादा पसंद है क्या? ऑरेंज। और पीछे देखिए इसने कैसे कपड़े गिरा रखे हैं, चिप्स गिरा रखी है, फोन गिरा रखा है सोफे के ऊपर। चिप्स भी रखी है और भैया की है वो। लाई तो लाया कौन था, लाया कौन था? मैं रही थी क्योंकि आपने बोला भैया के लिए ले ले, चिप्स भैया की है, मोबाइल भैया का है, चद्दर भैया की पड़ी है, भैया ऐसे टांग सो रहे थे मुझे पीछे से। और वो शर्ट किसकी है, स्कूल से आके किसने डाली उधर शर्ट, है ना? तो एक चीज मिली। तो सोफे पे ये चीजें होती है क्या, कौन गिराता है ऐसे? तेरी मुँचे बन गई है, फिनिश कर दिया क्या? मुँचे बन गई है, तेरा कांच में जाके देख क्या। तो गाइस यहाँ पे भूमि ने मिल्क शेक पिया था तो उसकी मुँचे देखिए कुछ नहीं हो रहा है, वो मिल्क शेक पिया ना तो वही लग गया। जा धो के अम्मू को, जा धो के मुँह, ऐसे मत कर। मैं कैसी लग रही हूँ? मंकी लग रही है। तो हम लोग जा रहे हैं छत पे खिलाने के लिए। और बाप रे बादल वापस होने आ गए भूमि, लेकिन चलो कोई नहीं, हमारे तो कपड़े आज अच्छी तरह से सूख गए। कंटिन्यूसली बरसात हो रही है तो बच्चों की भी आज छुट्टी कर दी है स्कूल वालों ने। मैसेज आ गया था कि छुट्टी है स्कूल की, लेकिन आज एक पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी है, वेस्ट हो गई इनकी छुट्टी। क्योंकि रोज तो बारिश आती है, आज बारिश नहीं आई और इन लोग को छुट्टी भी दे दी थी। तो बस गई यहाँ पे मेरे कपड़े सूख गए पीछे देखिए, और मैं जल्दी जल्दी चल के आई हूँ इसलिए मेरे सांस भी थोड़ा फूला हुआ है। और बस अभी सारे कपड़े लेके जाती हूँ और भूमि के यहाँ पे घूम रही है। और कितने गंदे ब्लैक ब्लैक हो गए, जो धो के जल्दी से। साफ कौन करे, करते तो है, पानी आता है ना बारिश आती लेकिन हो जाता है। तो बस गई अभी फटाफट से कपड़े उतार लेती हूँ, फिर भूमि को ट्यूशन भी छोड़ के आना है। भूमि का ट्यूशन का टाइम हो गया, स्कूल की तो आज छुट्टी थी, दोनों ही बच्चे घर में है। सूर्या तो वैसे भी घर में है, उसको फिलहाल तक फीवर तो नहीं है लेकिन फिर भी वीकनेस तो हो ही जाती है बच्चे को। आपको पीछे का सीन दिखाती हूँ, बादल देखिए कैसे नजर आ रहे आज। और इस साइड देखिए बादल, इस साइड जो है बादल हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं बादल हो रहे हैं, तो बारिश आ सकती है। और वहाँ पे देखिए पहाड़ों पे कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ पे देखिए बादल, पूरे बादल ही बादल, बादल ही बादल हो रहे हैं आज तो। अच्छा हो गया गाइस आज बारिश नहीं आई इसीलिए पूरा सूखा सूखा लग रहा है, नहीं तो पूरे दिन तीन चार दिन से कंटिन्यूसली रात भर पूरी रात, कल भी पूरी रात बारिश आ रही थी, इसीलिए रात को ही अनाउंसमेंट हो गया था कि बच्चों की सबकी स्कूल की छुट्टी है। लेकिन सुबह जब उठे कोई बारिश नहीं है, पूरे दिन हो गया बारिश नहीं है। तो कपड़े भी आज सूख गए, नहीं तो कपड़े ही नहीं सूख रहे थे इतने दिनों से। तो चलिए गाइस फटाफट कपड़े ले लेती हूँ अपने। क्या कर रही है भूमि? चल ले फटाफट, मैं चल रही हूँ, कपड़े ले लिए मैंने। तो गाइस ट्यूशन की छुट्टी थी तो अब हम लोग आ गए हैं उसकी चाची के घर पे। काली वाली की नहीं, ऑरेंज वाली की थी, हां पता है तो काली मोटी मोटी ड्रेस थी उसकी। क्या कर रहे हो तुम दोनों, खेल रहे हो? कुछ ही ऐसे चल रहे हैं। पैर के तो मैं बताऊंगी, अब तो दिखाती हूं। तो यहाँ पे देखिए गाइस इनका फिश पॉट कितना सुंदर है, यहाँ पे फिश देखिए कितनी सुंदर सुंदर कलर की है, ये गोल्डन कलर की है, पीछे देखिए ब्लैक और येलो कलर की है, बहुत सुंदर सुंदर थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बनाया था इसका व्लॉग कि बहुत सुंदर लग रही है। तो गाइस हम लोग जब आए थे तो बारिश नहीं आ रही थी, अब बारिश आ गई है, देखिए बारिश आ गई यहाँ पे तो बहुत है। देखिए गाइस कितनी जबरदस्त बारिश आ गई है, बारिश आ रही है, बाहर मत जाना। वाओ कितना क्यूट सा मौसम नहीं है। बारिश आ रही है, क्यूट का है जो अंदर। चलो अंदर, नहीं नहीं हाँ मैं थोड़ी साइड में करके आऊँ चप्पल हूँ। यहाँ पे देखिए येलो कलर का कितना खूबसूरत फूल लगा हुआ है, पिंक कलर का भी है, बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे बारिश आ रही है जिम जिम। और गाइस यहाँ पे
ये रो रही थी इसलिए इसको गन दिए कि खेल ले। तो बस गए चाची के घर से हम लोग आ गए थे। छोटा सा डोसा है जो कि भूमि ने मुझसे बनवाया है, कि छोटा सा डोसा ही थी कि तवे पे भी छोटा सा लग रहा है, एक उंगली के जितना ही है। ये देखिए स्मॉलेस्ट डोसा, ये देखिए कितना छोटा है इतने बड़े तवे के ऊपर। ये जो पलटा ये भी इससे बड़ा है, देखिए इससे भी छोटा डोसा ही है। देखिए इतना सा डोसा है, इतना सा इतना सा हो गया, बन गया रेडी। भूमि लेके जाते ना डोसा। ओके ये देखिए भूमि बना रही है अपने लिए डोसा। बस 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 भाई मैंने बना दिया। भूमि ने बना दिया। क्या किया? बना दिया। किसने बनाया? मैं। अच्छा ऐसे चार पांच बना ले, डालो उसमें, पास में मत बना। बस बस देख नीचे मत गिरा। अरे मत गिरा। अरे क्या कर रही है गंदगी मेरे तवे पे। एक आएंगे डोसे ऐसे। तो गाइस डोसा बनाना सबसे इजी काम होता है, तो इसलिए देख मम्मी ने यहाँ पर डाल दिया है और डोसा बना रही है अपने लिए। वाओ गाइस कितना सुंदर, मतलब हाँ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने कर दिया। क्या क्या है इसमें? बस डाल दिया, पेस्ट हो गया। बस ऐसे ऐसे छलक दिया। तो मैं बड़ी हो गई ना, डोसा मतलब डोसा बनाऊंगी ऐसे ऐसे कुछ भी कर दूंगी, कोई डिजाइन बना के। भूमि के डोसे बन चुके हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा तेल डाल देती हूँ, नहीं तो जल जाएंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया इसके डोसों पे। जल्दी कर भूमि, जल्दी दे मुझे पलटा दे। ये देखिए भूमि के छोटे छोटे डोसे बन चुके हैं ऑलरेडी। कोई बात नहीं, अच्छे लग रही है, टेस्टी है, जले नहीं है ये, थोड़े करारे हो गए। ये देखिए भूमि के छोटे छोटे डोसे, अलग अलग शेप के डोसे, ऐसे डोसे किसी ने खाए हैं कभी? किसी ने एक नहीं खाए होंगे, ये भूमि ने बनाए अपने लिए। नहीं बेटा चटका लग जाएगा, ये नहीं, रिस्क नहीं। नहीं नहीं प्लीज एक लास्ट बार बोल दिया ना। नहीं नहीं मम्मा देखो छोटे छोटे ये पड़े, वो उनको भी तो कर लो। तो ये है ना छोटे छोटे, बस ये वाले बन गए, ये बन गए तेरे डोसे। क्या ये डोसे है क्या? इनको डोसा बोलते हैं क्या? ऐसे डोसे होते हैं? ये एक साइड से पके रहते ना बेटा, इसलिए ये देखिए इसके साथ खाएगी। पता नहीं सॉस है। ये देखिए भूमि के स्पेशल डोसे, छोटे छोटे छोटे। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कछुआ, कछुआ जैसा लग रहा है। तो पूरा ही देखो शेप, ये आइज बन गई है इसकी, ये इसका शेप बन गया। कछुआ लग रहा है। हाँ। और ये किस तरह का है? ये सीधा नहीं होता, ये घोड़े का मुंह। नहीं नहीं ये वन बन गया है भूमि का, वन नंबर डोसा। ये है लेग लग रहा है, ये देखो पैर लग रहा है, एक उंगली वाला पैर। या इसको क्या बोल सकते हैं, इसको फ्रॉग बोल सकते हैं, फ्रॉग लग रहा है इसकी आईज। ये रही ये क्या है, ये कछुआ, ये तो कछुआ ही लग रहा है भाई पूरा। ये देखो ये तो पूरा ही कछुआ लग रहा है। ये क्या है, ये कौन सा शेप है भाई? ये कोई शेप नहीं है, ये तो डोसा ही है। ये तो ये भी डोसा है, ये भी कछुआ लग रहा है, बड़ा कछुआ है। और ये वाला छोटा कछुआ है, ये सबसे बड़ा कछुआ है, वन। ये स्नैक के जैसे लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ये क्या है? ये तो मुझे खाओ। ये क्या है? चिड़िया लग रही है, चिड़िया का बच्चा। ये देखिए चिड़िया का बच्चा। ये भूमि ने बनाए अपने लिए डोसे छोटे छोटे। ये तो वो सबसे छोटा, ये छोटा है मामा। ये तो मुझे घोड़े का मुंह लग। तो गाइस बताइए आपको कैसे लगे डोसे भूमि के? भूमि के भूमि ने बनाए, आ जाइए खाली। भूमि सबको बना बना के खिलाई है ना भूमि। ये छोटा सा, ये तो चिपक ही गया, चिपक गया। चिपका नहीं, चिपकता नहीं है डोसे, नॉन स्टिक पे नहीं चिपकता। ठीक है चल अब जाओ नीचे, जाओ बेटा खा लो, जाओ तेरा डोसा को लेके जाए यहाँ से। ये सब डोसे ही थे, स्पेशल डोसे भूमि के, अलग अलग शेप के। क्या लगा रही है सॉस पे इसको? पिज्जा बना रही है। पिज्जा बना रही है, वेरी गुड। तो गाइज मैंने बनाया था डोसा, मगर ये भूमि ने उसको बना दिया पिज्जा। तो पिज्जा खा रही है भूमू, अच्छा लग रहा है इसे। इस मैंने डिनर में बनाया है डोसा, भूमि डोसा और सॉस खा रही है। हम लोग डोसा सांभर और चट, आप रोटी सब्जी खा रही हो? डोसा रोटी सब्जी। रुको ये तो देख उसकी आवाज़ है, रात को सो गए सब, सन्नाटे की आवाज़ है ये। तो गाइस आपको सन्नाटे की आवाज़ सुन रही होगी, देखिए सब लोग सो गए थे, सब सो गए बेटा। ये ना मेंढक वगैरह कुत्ते वगैरह बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है बाहर से। मेंढक क्या होती है? बारिश में जो आता है ना मेंढक, फ्रॉग, फ्रॉग को बोलते हैं। देखिए गाइस जी कैसे कर दिया इस डोसे का सत्यानाश, बेचारे का पिज्जा बना दिया इसको। देखिए डोसे को, डोसा है क्या? ये ऐसे बाजरे की रोटी बनती है, तुझे आती है? देखा है कभी किसी को? किसको देखा है? बाप। बाप बनाती है ऐसे? बा ऐसे बनाती है बाजरे की रोटी। और आज है 1 दिसंबर,
और गाइस आज के दिन ही मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था और आज पूरे एक साल हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस आप सभी का जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरा व्लॉग भी देखा। तो बस गाइस मैं तो यही कहना चाहूंगी और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने एक साल कंप्लीट कर लिया। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सहयोग किया, इसीलिए बना पाई थी। तो गाइस थैंक यू सो मच वंस अगेन और अपना सपोर्ट बनाइए रहिए, देखते रहिए खुशी राठौड़ व्लॉग्स। थैंक यू गाइस। और यहाँ पे भूमि जो है थोड़ी मस्ती कर रही है, ये देखिए यहाँ पे खड़े खड़े। तो बस चलिए गाइस अभी आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। बंदूक चला दो बिट्टू, बंदूक चला, बैठाओ, बंदूक चला, बंदूक।